गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ सभी लोग हेल्दी और सेहतमंद होंगे। वेलकम टू ज्योतिका जर्नी। ज्योतिका जर्नी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ग्रीनरी होने लगी है और मॉर्निंग के 6:15 हुए हैं। लोग एक्सरसाइज करने के लिए निकल पड़े हैं और पक्षियों के चहकने की मधुर आवाज आ रही है। सूर्य देवता बादलों में से निकल चुके हैं और सुंदर रेनी वेदर है। लीले लीले पत्ते उग गए हैं तो कितना सुंदर लग रहा है। नीचे फूल अभी तो खिले नहीं है, येलो येलो डर्टी फेलो अनवांटेड फूल। हाँ, मेरे घर के नीचे वाला प्लांट के पत्ते इतने मुरझाए हुए क्यों हैं? कुछ तो गड़बड़ है, पत्ते अच्छे से खिलते नहीं हैं। उस साइड के अच्छे खिले हुए हैं, तो चलिए चाय पानी कर लेते हैं। कल जो ये सब्जी बनानी थी वो आज हम बनाएंगे, क्योंकि कल सब कुछ करने के बाद इतना थक गए थे, ऐसा का ऐसा हम छोड़ के सो गए थे। अभी पानी भर रही है और सब कुछ क्लीन है। बर्तन में चाय बनने के लिए पानी रख दिया है ना। सारी सब्जियां कट करके रेडी कर दी है और ये मसाला दानी है। अदरक लहसुन और ग्रीन चिली की पेस्ट तैयार है। तेल भी ले लिया है, इसमें हमने एवोकाडो ऑयल लिया है और ये सिंग तेल लिया है, प्योर सिंग तेल है, इंडिया से लाई है मम्मी, तो इससे हम बनाते हैं। तो चलिए मेरे साथ बने रहे। किलोड़े की सब्जी बन रही है तो मम्मी ने पहले राई ऐड कर दी है। कड़ी पत्ते और मसाले तो कैसे रखूं? तू क्यों इतना बना वे इतना कर? तारी पद्धति थी कर। हाँ तो रखूं। नमक का पानी ऐड कर रही है मम्मी। बस बस बस, हल्दी, मिर्ची एक चम्मच नाखू, मरची पेलू लीलू नाखी तो एटले वांधो नहीं, एक धनिया पाउडर। ओके, सब ऐड करके मिक्स कर देते हैं। मम्मी भिंडी की सब्जी बनाने जा रही है। तेल गरम हो चुका है, तेल कटे हुए हैं, घुमाड़ो नहीं करते शांति जवा नहीं, कहीं उतावट थोड़ी क्या, धीरे धीरे रसोई को उतरा।
कढ़ाई पक चुकी है, मेथी दाने ऐड कर रहे हैं, जीरा थोड़ा, और ग्रीन चिली की पेस्ट भी रखो। थोड़ी बताना, गवार की सब्जी बनाएंगे, उसमें हम अजवाइन का यूज करेंगे। सारे मसाले सेम ही है, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, सभी कुछ। तो अभी हमने ऑयल बनने के लिए रख दिया है उसके लिए भी। और मम्मी ये मसाले कर रही है भिंडी में, गरम हल्दी, लाल मिर्च और धनिया पाउडर। मैं गरम मसाला ज़्यादा यूज़ नहीं करते हम लोग। गुवार की सब्जी के लिए स्टार्ट कर दिया है हमने, राई, चिंता ना हूँ करूँ, तू खाली मसाला ऐड कर, बीजे बढ़ हूँ हलावी ने बढ़ कर, तू मसाला ज कर, हूँ एना ऊपर नीचे करी बता। लाल मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर, सभी में मसाले सेम है, इसमें से अजवाइन ऐड की है और नमक। अब मैं कढ़ी बनाने जा रही हूँ। कढ़ी बनाने के लिए थोड़ा घी और थोड़ा ऑयल लिया है, और मैं आज बेसन के आटे को भून के कढ़ी बना रही हूँ। तो चलिए, इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं है, जल्दी जल्दी में फटाफट सब कुछ होता हो जाता है। 5-10 मिनट ही लगते हैं, लेकिन कढ़ी को जब बनती है तब उसको नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे 10-15 मिनट करते रहना चाहिए, ताकि पानी और दही अलग ना हो जाए। राई पक चुकी है, हम उसमें ये मेथी दाने ऐड कर देते हैं, फिर जीरा, फिर करी लीफ के पत्ते, हींग, हींग मैं थोड़ी ज़्यादा लेती हूँ, सब कुछ पक चुका। अब इसमें
इनको थोड़ा पका देंगे। बेसन की स्मेल नहीं आएगी। ऐसे अच्छे से पके। मम्मी बोलती है थोड़ी इस बार गाढ़ी कढ़ी करूँ, थोड़ी थिक करूँ, तो इसीलिए मैंने थोड़ा बेसन ज़्यादा लिया है। इसमें सारे मसाले, अदरक लहसुन और ग्रीन चिली ऐड है, तो मैं वाइट कढ़ी बनाने जा रही हूँ। ये अच्छे से बेसन पक चुका है, आराम आराम से करना है, कुछ जल्दी नहीं करनी। और बर्तन में आपके ये चम्मच का आवाज़ ज़्यादा नहीं आना चाहिए, ऐसा मेरा पापा बोलते थे। जब आवाज़ आए तो आपका रसोई अच्छा नहीं होता, ऐसा बोलते थे। चलिए फिर इसमें हम छाछ ऐड कर देते हैं। थोड़ा पानी और गैस थोड़ा स्लो कर देना है। फर्स्ट में नहीं बनानी कढ़ी, और हम पानी ऐड कर देंगे। जितनी आपको चाहिए इतनी बना सकते हैं। अभी मैं उसमें नमक भी स्वाद अनुसार ऐड कर दूंगी, और बाद में कढ़ी है तो गुड़ तो आएगा ही। ये नमक वाला पानी, कढ़ी में अब मैं ये एकदम सा सुंदर सा गुड़ ऐड करने जा रही हूँ। बढ़िया सा है, एकदम वाइट वाइट है। तो चलिए कढ़ी को उबलने देते हैं। ऑलमोस्ट सारी चीज़ें होने को तैयार है। फिर हम हमारा लंच पैक करके निकलते हैं। और देखिए बाहर तो घनघोर अंधेरा छा गया है। मम्मी जो बर्तन हो रहे हैं वो उसको क्लीन कर रही हैं। घर में देखिए इतर बितर पड़ा हुआ है, और डार्कनेस तो देखिए। तो मॉर्निंग कितनी बढ़िया थी, अभी जोरदार बारिश होने को है। जाते जाते ट्रैफिक नहीं मिले तो बढ़िया है, वरना एक डेढ़ घंटा तो लग जाएगा जाते जाते। सारे मेरे प्लांटों से मिला दूँ तब तक। ये देखिए करी लिप का प्लांट ग्रो हो रहा है, और ये सब धीरे धीरे हो रहा है। तुलसी मैया नहीं हो रहे, क्या करें। गुवार की सब्जी बन चुकी है, भिंडी की सब्जी बन चुकी है, और ये टिंडे की सब्जी भी बन चुकी है, और ये गर्मा गर्म कढ़ी बन चुकी है। 10:30 बजे हम निकलते हैं, अभी 9:32 हुए हैं। बाहर बाढ़ की स्थिति आ गई है, और ये हमारे प्लांट में से एक सुंदर पत्ता निकल रहा है। तो ये है आज के गुड न्यूज़। 11:15 हो गए हैं और हम काम पे आ गए हैं। And it's like, it's not even bleach, like it's like... No bleach. Yeah. Just cream color. Yeah, it looks so nice. Yeah.
जोरदार बारिश के साथ आज का दिन फिनिश हुआ और डरते डरते काम पे आए, और काम पे भी इतना बारिश था कि क्या बताऊँ आपको। तो चलिए मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक मेरे व्लॉग को प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब तो ज़रूर से करना। तब तक सभी लोग सही सलामत रहे, हेल्दी रहे और सेफ रहे। बाय बाय, गुड नाइट एवरीवन।